हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स रिलेटेड टू एडमिशन, स्कूल एडमिशन से रिलेटेड ही है ये। और आरटीई के अंडर स्कूल एडमिशन कैसे होते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो डू स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड। और मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो आरटीई होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक ग्लोबल लॉ है जो कि एक राइट देता है हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन लेने के लिए। और वो इंडिया में भी है कि अप टू 14 इयर्स, स्पेशली 6 टू 14 इयर्स का जो बच्चा है उसका राइट है, उसका फंडामेंटल राइट है कि वो एजुकेशन ले। एंड कोई भी उसे एजुकेशन देने से मना नहीं कर सकता है, एडमिशन लेने से या पढ़ाई करने से मना नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता। ये बच्चे का राइट होता है। तो प्राइमरी क्लासेस के लिए ये होता है, जो प्री प्राइमरी, नर्सरी या कह लीजिए केजी से लेकर के क्लास 8 तक का जो एजुकेशन है ये इसके अंडर आती है, ये क्लासेस आती हैं। और इसमें मैं बता दूं, इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिशन का रजिस्ट्रेशन आरटीई की जो वेबसाइट है उससे होता है। हर स्टेट में अलग अलग वेबसाइट्स हैं इसकी। और इसके लिए जो मेन क्राइटेरिया होता है ये है कि यू हैव टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन है बच्चा, डोमिसाइल है इंडिया का, तो वो आरटीई के अंडर आता है, वो आरटीई के थ्रू रजिस्टर कर सकता है। स्टेट्स में जैसा हो रहा है, जैसे अगर आप पर्टिकुलर स्टेट में ले रहे हैं एडमिशन, यूपी में ले रहे हैं, महाराष्ट्र में ले रहे हैं, तो यू हैव टू बी रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। और जैसे मैंने एज बता दी, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे इसमें इसके अंदर आते हैं। और इसका जो एडमिशन प्रोसेस है ये मार्च से मई के बीच में होता है। अलग अलग स्टेट्स अपनी अलग अलग तारीखें निकालते हैं, मगर इन्हीं महीनों में मार्च से मई के बीच में ही एडमिशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ओपन होता है और आपको उन्हीं महीनों में एडमिशन लेना है। सो ये हो गई कि क्या इसका इम्पोर्टेंस है या क्यों ये जरूरी है। अब इसमें जो है आरटीई में 25% रिजर्व है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 25% रिजर्व किया हुआ है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए। जी हाँ, प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल्स की बात नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी एडमिशन 25% जो कोटा होता है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए होता है। और ये एडमिशन स्कूल्स को देना जरूरी है। वो आरटीई के अंदर एक रूल है, लॉ है, जिससे कि स्कूल्स को 25% ऑफ स्टूडेंट आरटीई के अंदर बच्चों का एडमिशन जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्व्ड है। 75% अदर्स के लिए है और 25% रिजर्व है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिनकी 3.5 लाख से पर एनम इनकम कम है वो आते हैं इसके अंदर। आपको अपनी इनकम प्रूफ देनी होगी, इनकम प्रूफ देकर आप इसका जो है ले सकते हैं, इसके अंदर रजिस्टर करा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ना इसका नॉलेज नहीं होता है, बहुत सारे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, गरीब बच्चे, उनको नहीं पता होता है कि हमारा ये राइट है और इस वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो एडमिशन आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में ले सकते हैं इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के रजिस्टर। अब रजिस्टर आपको इनकी वेबसाइट्स होती हैं, आरटीई की वेबसाइट, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसकी सारी और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तब भी मैं आपको अवेयर कराऊंगी कि कब से रजिस्ट्रेशन की डेट आ रही है, तो आप तब से रजिस्ट्रेशन इसके अंदर करा सकते हैं और अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो और आई होप कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल होगी और इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिनको जरूरत है, स्पेशली वीकर सेक्शन जिनको जरूरत है अपने बच्चों को एजुकेट कराने की, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो इसका फायदा उठा सकें। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।